जय हिंद बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट थर्ड के इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के ऊपर, प्रैक्टिकल के। और जो टॉपिक्स हैं उनको मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा। किसी एक टॉपिक पर भी आपको फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल की डेट जो है राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा की निर्धारित हो गई है और ये 20 तारीख को होगा आपका। रेगुलर का तो 100% होगा, प्राइवेट को लेकर के मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जो स्टूडेंट्स किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो डीएस एजुकेटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें। यह डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है अवेलेबल है। अब मैं आपको बता दूं कि यह फाइल जो है 50 अंकों की होगी और लगभग 25 से 30 पेज की यह फाइल आपको बनानी है। टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग देख पाएंगे कि टॉपिक्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएँ, यानी पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज इन राजस्थान, देन हाड़ौती क्षेत्र में आर्थिक विकास में पर्यटन का योगदान, निर्माण उद्योग में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक एवं शारीरिक स्थितियों का विश्लेषण, कोटा की अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स की भूमिका, देन इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एनीवन ऑन फैमिली बजटिंग, कोटा शहर में एयरपोर्ट की आवश्यकता, देन इम्पैक्ट ऑफ फ्रीवीज ऑन बोटिंग डिसीजन, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव, चुनाव पूर्ण लोक लुभावन घोषणाओं एवं वादों का मतदान निर्णय पर प्रभाव, और इसके अलावा कोटा शहर में एयरपोर्ट की आवश्यकता। इसको लेकर के तो खैर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है। सरकारी योजनाओं कोई एक का पारिवारिक बजट पर प्रभाव, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनमें से किसी एक पर आपको फाइल बनानी है। ध्यान रहे इस प्रोजेक्ट में जिन टॉपिक्स को या पॉइंट्स को आपको लिखना है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कवर पेज आपको बनाना है, जहां ऊपर ही ऊपर आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा लिखना है, फिर राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा लिखना है, 2023-24 लिखना है, बीए पार्ट थर्ड लिखना है और अर्थशास्त्र लिखना है। इधर आपको रोल नंबर, फादर्स नेम, ये डिटेल्स आपको लिखनी है। इसके अलावा इधर जो है सबमिटेड टू या नेम ऑफ टीचर में आपको डॉक्टर सुनीता शर्मा मैम का नाम लिखना है। प्रीफीस लिखें, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर आभार। आभार में मैंने आपको बताया था पहले भी कई बार कि आभार जो है आप लोगों को जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प की है आपके रिसर्च में या फाइल को बनाने में, उनके लिए आप आभार प्रकट कर सकते हो। इसके बाद इंडेक्स का टॉपिक है, देन सारणी सूची है, लिस्ट ऑफ टेबल्स, अंतरिम रिपोर्ट आपको फिर बनानी है, उसमें कौन कौन से टॉपिक रखेंगे आप लोग, परिचय, साहित्य की समीक्षा में इससे पहले इस पर क्या काम हुआ है, उद्देश्य आप लोग लिखेंगे। देखिए हर टॉपिक पर आप लोग एक दो पेज लिखिए तो भी काम हो जाएगा। शोध पद्धति, क्योंकि इसके बाद इनमें आपके काफ़ी पेज हो जाएंगे, समंकों का प्रस्तुतिकरण, सारणी, चार्ट, ग्राफ, इनमें जो है पेज ज़्यादा भर आ जाएंगे। समंकों का निर्वचन एंड विश्लेषण, यानी इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा, देन जांच परिणाम एवं निष्कर्ष, और पूर्वानुमान, सुझाव और संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब ये कि आपने इन आंकड़ों को कहाँ से लिया है। इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रहे आप लोगों को। डेट का विशेष ध्यान रखना है, 20 तारीख है, आप लोग कनेक्टेड रहे। यदि फाइल को बनाने में कोई इशू है, आपको कहीं कोई समस्या आती है, तो आप लोग कॉलेज आएँ 10 बजे से लेकर के या 10:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में आप लोग जो है पूछ सकते हैं। पूरे दिन अवेलेबल नहीं है, कॉल करने से बचें बेटा, कॉल पर रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, तो कॉल नहीं करें। मैसेज का भी रिप्लाई मैं नहीं करता हूं कई बार, क्योंकि मैसेज रीड ही नहीं कर पाता हूं, तो मैसेज भी नहीं करें आप लोग। वीडियो पर ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में वो चीज़ें साझा कर दूँ, क्योंकि इंडिविजुअल मैसेज का रिप्लाई आज की डेट में करना बहुत मुश्किल है। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों।